गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर एनवायरमेंटल स्टडीज बुक। दिस इज प्रेस्क्राइब्ड बाय आवर मैनेजमेंट बीएल मेमोरियल। वी विल सी हियर द कंटेंट्स। द फर्स्ट चैप्टर इज इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर को जो आंतरिक अंग हैं उसके विषय में हमारा पहला चैप्टर है। चलिए इसको पढ़ते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, शरीर के आंतरिक अंग। ऑर्गन्स इज ए ह्यूमन बॉडी वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग विटल फंक्शंस इन द बॉडी। एक मनुष्य के शरीर में जो अंग होते हैं वे एक साथ अलग अलग प्रकार के शरीर में कार्य करते हैं। ईच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म्स स्पेशल फंक्शन। हमारे शरीर में जो अंग है वह एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर, और एक अंगों का जो समूह जो एक साथ कार्य करता है और विशेष प्रकार का कार्य करता है उसे हम ऑर्गन सिस्टम या अंगों की पद्धति भी कहते हैं। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गन सिस्टम। हमारा जो शरीर है बहुत सारे अंगों से मिलकर बना हुआ, बहुत सारे अंग हैं। जैसे हम उसमें से पहला आज पढ़ें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन क्रिया या श्वसन पद्धति। लाइफ डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर। हमारा जीवन पूरी तरह से जो वायुमंडल में, हवा में ऑक्सीजन मौजूद है उसी पर निर्भर है। ऑक्सीजन प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इनसाइड द बॉडी। ऑक्सीजन ऊर्जा को हमारे शरीर में भोजन के द्वारा पहुँचाया जाता है। दिस एनर्जी यूज बाई आवर बॉडी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। ये ऊर्जा हम अलग अलग कार्यों के लिए अपने शरीर के द्वारा प्रयोग में ले आते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज डन बाई द रेस्पिरेटरी। हम बाहर हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसको हम अंदर अपने शरीर के लेते हैं और फिर हम उसको वापस बाहर निकालते हैं। हम इसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन क्रिया कहते हैं। द नोज जो मुख्य इसमें भूमिका निभाते हैं श्वसन क्रिया में, उसमें द नोज विंड पाइप एंड लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाक, श्वास नली और हमारे फेफड़े ये ऑक्सीजन को पहुंचाने में मुख्यतः सहायक होते हैं। एज वी इनहेल फ्रेश एयर थ्रू नोज, जब हम शुद्ध हवा को अपनी नाक के द्वारा अंदर लेते हैं, इट गोज डाउन टू थ्रोट, यह हमारे गले में जाता है, एंड विंड पाइप और इसके बाद श्वास नली में जाता है, एंड रीचेज द लंग्स, इसके द्वारा हमारे फेफड़ों में पहुंचता है। इन द लंग्स ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज पास्ड इन टू द ब्लड विच टेक्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद लंग्स हमारा पंपिंग के थ्रू उस ऑक्सीजन को शरीर के अन्य अंगों में पहुंचाता है। दिस ऑक्सीजन कंबाइंस विद फूड दैट वी ईट एंड रिलीज एनर्जी। हम ये भोजन जो हम करते हैं उसमें भी ऑक्सीजन हमारा मिल करके खून में पहुंच जाता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ फॉर्म एज ए वेस्ट प्रोडक्ट विच इज ब्रॉट बैक टू द लंग बाई ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक प्रकार का वेस्टेज है, यानी कि खराब हवा है जो हम अपने लंग्स के खून से और लंग्स से हम इसको बाहर निकालते हैं। फ्रॉम देयर इट इज एक्सहेल्ड, इसको हम एक्सहेल्ड करते हैं अर्थात ब्रीथिंग आउट, मतलब सांस को बाहर निकालते हैं थ्रू द नोज, नाक के द्वारा। एक और चैप्टर आज हम पढ़ेंगे जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं या पचन पाचन क्रिया। The food that we eat is broken down into simple form of absorbed by our body to release energy. भोजन जो हम खाते हैं वो simple form में हमारे मुंह में, इस simple form में हमारी body उसको absorb कर लेती है और energy प्रदान करती है। This process is called digestion. इसी को हम पाचन क्रिया कहते हैं। The digestion is made of mouth, esophagus
स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे जो पाचन क्रिया में मुख्य सहायक अंग हैं उसमें से हमारा मुंह है, आइसोफोगस मतलब हमारी भोजन नली, पेट और छोटी आंत और बड़ी आंत, यह पाचन क्रिया में हमारे मुख्यतः ये पांचों ही सहायक होते हैं। पहला मुंह है, फूड इंटर थ्रू द माउथ, भोजन को हम मुंह में सबसे पहले प्रवेश कराते हैं। द टीथ ग्राइंड द फूड इंटू स्मॉलर पार्ट, हमारे दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देते हैं, पीस देते हैं। टंग हेल्प्स टू टेस्ट ब्लड, हमारी जीभ जो है, हमारी जीभ भोजन को स्वाद को चखती है। इट हैज थाउजेंड ऑफ टेस्ट बड्स, इनमें हजारों जो स्वाद ग्रंथियां होती हैं, थ्रू विच जिसके द्वारा वी कैन सेंस आवर टाइप ऑफ टेस्ट, जिसके द्वारा हम स्वाद ग्रंथियों के द्वारा किस प्रकार का उसका स्वाद है ये हम प्राप्त कर लेते हैं। स्वीट सोर साल्टी बिटर, यानी मीठा कड़वा तीखा खट्टा, ये सभी हमारी टेस्ट बड्स से ही हम जीभ के द्वारा जान लेते हैं। द टेस्ट बड्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग्स, ये जो स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं ये जीभ के अलग अलग हिस्सों पर बनी होती हैं। द चीव्ड फूड मिक्स्ड विथ सलीवा इन द माउथ मेकिंग इट इजी टू स्वॉलो, चबाया हुआ भोजन सलीवा में मिक्स होता है, सलीवा मीन्स लार, लार में मिक्स हो जाता है जो हमें बहुत आसान कर देता है उसको स्वॉलो करने में, निगलने में, निगलने में हमें ये लार बहुत सहायता देता है। सलीवा इज सेक्रेटेड बाई द सेलिवरी ग्लैंड्स, सलीवा यानी लार हमारी लार ग्रंथियों से ही हमें मिल जाता है। सलीवा ऑल्सो चेंज द कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन फूड टू शुगर, सलीवा ही जो है लार ग्रंथियाँ ही हमारी भोजन को, जो भोजन में जो शुगर की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट की जो उपलब्धता होती है वह शुगर में परिवर्तित कर देती है। द टंग्स पुशेस द चिप्ड ऑफ द डाउन द फूड पाइप, जीभ हमारे फिर भोजन नली में पहुंचाने में भोजन को मदद करती है। टिल इट रीचेस द स्टमक, जब तक ये पेट में पहुंच जाता है। स्टमक पेट इज लाइक ए मिक्सर, ये मिक्सर मशीन की तरह से है। इट चर्न्स एंड मैसेज द फूड इंटू स्मॉलर पीसेज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ये चर्न्स, चर्न्स बोलते हैं मथना, मथा जाता है जिस तरह से, स्मैश भी छोटा छोटा कर देना, पीस देना, तो ये पेट में हमारे ये पूरी तरह से मथ जाता है, या हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, जिसको उसमें उत्पन्न होने वाले जो हमारे रासायनिक तत्व हैं उससे वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसके बाद वो भोजन हमारी छोटी आंत में जाता है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच करके यह एक लंबा पाइप होता है, एक एडल्ट मनुष्य में लगभग 200 से 250 मीटर तक का इसकी लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और ये भोजन को पूरी तरह से पचाने में सहायक होता है। जो हमारे रासायनिक तत्व मौजूद हैं उन्हीं के द्वारा यह भोजन को पूरी तरह से पचा देता है। द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व बाय द ब्लड, पचे हुए भोजन के जो हमारे तत्व होते हैं वो खून के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो भोजन नहीं पचता है उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत क्या है, द वाटर प्रेजेंट इन द वेस्ट मटेरियल इज ऑब्जर्व बैक इन टू द बॉडी इन द लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि वहाँ तक हमारा जो भोजन होता है वो द्रवित अवस्था में होता है, यानी कि पानी उसमें मिक्स रहता है। जब वो बड़ी आंत में भोजन जाता है, जो वेस्टेज मटेरियल जो सब कुछ निकालने के बाद जो खराब बचता है उसमें पानी की मात्रा होती है, वो पानी की मात्रा हमारी जो इसकी दीवारें हैं, बड़ी आंत की जो दीवारें हैं वो सोख लेती हैं, और शुष्क अवस्था में ये फिर हमारे गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नाउ टुडे अप टू हियर, नेक्स्ट डे द नेक्स्ट चैप्टर विल बी टॉक्ट।